यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे और इस डिज़ाइन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने नेक के लिए बुकरम ली है। सबसे पहले तो हम बुकरम को बीच में से मोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से बुकरम मैंने फोल्ड कर ली है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच रखी है। अब हम इस पे नेक की कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे। नॉर्मल नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखते हैं, तो इस डिज़ाइन के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप छोटा नेक पहनते हैं तो इसकी चौड़ाई आप 3 इंच रख सकते हैं। मैंने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और नीचे की साइड जो इसकी लंबाई है वह मैं 9 इंच रखूँगी। अगर आप छोटा नेक पहनते हैं तो 8.5 या 8 इंच आप रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा के हम इसका बॉक्स बना देंगे। और अब हम यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। और इसे भी हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें नेक का शेप देंगे। और देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर की साइड से करेंगे। और अब हम अंदर की साइड से कटिंग करेंगे। और देखिए, ये मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम इसको कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैं इसको प्रेस से चिपका लूँगी। और देखिए, ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है। आपकी चिपकने वाली बुकरम ना हो तो आप इस पे यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसकी गहराई में ऐसे कट लगाएंगे दोनों साइड में। और अब हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, यहाँ से हम चारों तरफ से कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम इसका बीच सेंटर करेंगे और यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब इसको हम अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। ये मैंने कुर्ती का फ्रंट भाग लिया है और ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। नेक को हम सीधी साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और ये हमने पीस सेंटर की सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पे साइड में सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पे सिलाई आपको बुकरम के नीचे लगानी है। और
अब हम यहाँ से कपड़े को काट लेंगे। यहाँ पे आपको आधा इंच से कम मार्जिन रखना है, यानी कि एक पैर का मार्जिन रखना है, और यहाँ से कपड़ा काट लेना है। और अब हम यहाँ पे कोनों पे ऐसे कट लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद हम नीचे की साइड फोल्ड करेंगे नेक को। इस तरह से हम इसको नीचे की साइड मोड़ेंगे, और यहाँ पे हम इस पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें बैक साइड को जॉइंट करेंगे। ये मैंने बैक साइड ली है, ये आप देख सकते हैं, और इसे हम यहाँ से इसे मिलाएंगे, और दोनों साइड के शोल्डर पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगानी है। और देखिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के शोल्डर मैंने अटैच कर लिया है। और देखिए बैक साइड में आपको ऐसे सिंपल रखना है, इसमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, आपको ऐसे सिंपल ही रखना है। बाकी कुर्ती में हम बैक साइड में नेक की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम डिजाइन लगाएंगे, तो हम अपना डिजाइन तैयार करेंगे। देखिए डिजाइन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ऐसे आप कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, आप अपनी मैचिंग के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। और इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है, ये आप देख सकते हैं, और लंबाई आप अपने नेक के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको 20 सेंटर में से फोल्ड करेंगे, और इस पे हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। मैंने इसकी प्रेस कर रखी है, आप इसी तरीके से प्रेस कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें प्लेट बनाएंगे, और 20 सेंटर में इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसमें प्लेट बनाते जाएंगे, और इस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी पट्टी में प्लेट बना लेंगे यहाँ पे। और देखिए ये मैंने पूरे कपड़े में प्लेट बना ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको हम अपने नेक पे अटैच करेंगे। तो ये हम अपना नेक ले लेते हैं, और इसको हम नीचे की साइड रखेंगे। इस तरह से हम नीचे की साइड रखेंगे, और यहाँ पे हमको इतना ही रखना है जितना चौड़ा हमारा नेक है, और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इसी तरह से हम इसको बैक साइड में भी अटैच करते जाएंगे। ये हम बैक और फ्रंट दोनों साइड में अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बैक साइड है, यहाँ से हमको ये हल्का सा फोल्ड करना है, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी इस डिजाइन को अटैच कर लेंगे। और देखिए ये मैंने पूरे नेक पे अटैच कर लिया है, और यहाँ पे मैंने इस पे डबल सिलाई लगाई है। और जो ये वाली सिलाई है, इस सिलाई को हम निकाल देंगे, और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। और यहाँ से भी ये नेक मैंने बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसमें बटन अटैच करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 3 बटन अटैच कर लेंगे, और ये नेक हमारा एकदम कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। और आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।